भदोही जिले के सुरैयावा स्थित एक निजी चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हुई है। मृतका के परिजनों ने पहले चिकित्सालय के सामने हंगामा किया, उसके बाद कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए हॉस्पिटल संचालक व चिकित्सक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरैयावा थाना क्षेत्र असईपुर निवासी रामफल मौर्य की गर्भवती पत्नी सीमा देवी को सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजन उसे सुरैयावा के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्हें बच्ची पैदा हुई। कुछ घंटों बाद अचानक सीमा की हालत बिगड़ने लगी। चिकित्सकों ने उसे भदोही के लिए रेफर कर दिया, जहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वे सुरैयावा कोतवाली में भी शव लेकर पहुंच गए। दर्जनों की संख्या में पहुंचे प्रसूता के परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण प्रसूता की जान गई है। प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।